तो आज हम इस वीडियो में इन डेप्थ गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं CMF by Nothing। मतलब आप लोगों को इस वीडियो में इसका फुल्ली, आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे, ये प्रॉपर मैं 3-4 गेमें डिटेल में आप लोगों को चला के दिखाऊंगा और इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इसी फ़ोन के ऊपर बहुत सारी सीरीज लाने वाला हूँ। अगर आप लोग इस फोन में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को जरूर से ज्वाइन करके जुड़ जाना। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर फोन में मैंने पबजी से लेके शैडो फाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, असफॉल्ट 9 जैसे गेमों को रिव्यू किया है, इन डेप्थ चला के देखा है कि ये एग्जैक्टली में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इसमें मुझे हीटिंग इशू मिल रही है, कितने जो है इसके FPS मिलते हैं अगर आप इन गेमों को खेलते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। इसमें हम टेस्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में और एट द एंड ऑफ द डे आपको मैं यहाँ पर गेमिंग रिव्यू का फाइनल टेस्ट बताने वाला हूँ कि क्या होता है, और हीटिंग वगैरह भी ऑब्जर्व करके देखूंगा। हालांकि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट वाइज जो है वो उसको टेस्ट नहीं करने वाला कि भाई इंस्ट्रूमेंट से इतना आ रहा है, बट खुद पता लग जाता है, फील हो जाता है हीटिंग जो भी इसका होगा। तो हमारे पास है कुछ गेम्स, नॉट दैट मच बट हाँ कुछ तो गेम्स हैं ही। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ एक नॉर्मल सा गेम जो कि है 8 Ball Pool। ये हर कोई आदमी स्मार्टफोन में ओपन कर ही लेता है। तो यहाँ पर ये हमने प्ले कर लिया, ये बिल्कुल स्मूथली चलाएगा देखना। कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए भैया इसमें। और देखो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है वो हमें FPS मीटर भी मिलेगा। ये देखो ये जो गेम है ये बता रहा है कि हमें कितना फ्रेम रेट दे रहा है, मतलब FPS भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हो तो FPS भी मैटर करने लग गया आज के डेट में। आप सभी लोगों का फेवरेट गेम जो कि यहाँ पर ये आने वाला है, बहुत पुराना गेम है असफॉल्ट 8, बट इस ग्राफिक्स देखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हाई क्वालिटी में वीडियो बना के दिखाऊं ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई यस ये किस प्रकार से निकल के आता है, और लोडिंग टाइम भी आप लोग देख लेना इसका कितना होने वाला है। वॉल्यूम दिखाता हूँ आपको, वॉल्यूम भी काफी ओके ओके है। ज़्यादा ग्राफिक हंगरी गेम है और यहाँ पर ये आपको दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से परफॉर्म करता है Nothing CMF, तो CMF by Nothing में। देख रहे हो मतलब कहीं भी लैग जो है वो महसूस नहीं हो रहा इस फोन में। अब यार 15,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो इट्स ऑब्वियस कि आपको लैग महसूस नहीं होना चाहिए, बट फिर भी चलो काफी स्मूथ चल रहा है। देखो हर एक व्यूइंग एंगल से आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये आपको एक परफेक्ट तरीके का गेमिंग डिवाइस नजर आने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, ये इस रेंज में जो है वो तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, और ये यूनिट जो है वो भी मैंने खुद खरीदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं तारीफ कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे कंपनी वालों ने दिया, नहीं। मतलब फुल प्योरली मजा आ रहा है, देख रहे हो दीदी एंगल।
दो या तीन जीबी की गेम है, मतलब कि इसमें भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स इंटेंसी चीज़ें देखने को मिलेंगी और गेम प्ले देखने को मिलेगा। ये मुझे थोड़ा सा लैग क्यों फील हो रहा है, मुझे पता नहीं ये गेम ही ऐसा है या थोड़ा सा ये लैग वाला जो है वो रुक रुक के थोड़ा सा फील हुआ होगा आपको भी। स्टार्टिंग में हुआ है बट वैसे तो अब कुछ दिख नहीं रहा है। देखो इसकी भी रीडिंग एंगल जो है, और मैं ये देख लेता हूँ कि ये मैं इसको चला किस तरह, मतलब इसका ग्राफिक सेटिंग क्या है। हालांकि ओवरऑल जो देखो आपने स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा लगा था कि लैग सा हुआ, बट ओवरऑल गेम जो है वो काफ़ी स्मूथ है, ऐसे कुछ भी नहीं है। देखो अब फ्रेम रेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्रेम रेट आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो 60 FPS का जो है वो फ्रेम रेट यहाँ पे दे रहा है परफॉर्मेंस मोड में, और परफॉर्मेंस मोड अगर ऑफ कर देता हूँ तो भी ये जो है वो स्टेबल 60 FPS दे रहा है। और हम चेक करते हैं इसका ग्राफिक सेटिंग क्या है। देखो इसमें एक ही हो रहा है, फ्रेम रेट या तो मैक्सिमम पे करना पड़ेगा या ग्राफिक क्वालिटी वेरी हाई थे तो हम इसी पे ही रखते थे। ठीक है, डायनेमिक रियलिस्टिक डायनेमिक ही कर देते हैं, ये देख रहे हो। अब थोड़ा सा मेरे को जो है वो हल्का सा हीट महसूस हुआ, बट मैंने कम से कम आज तक 100-200 से भी ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स को रिव्यू किया होगा, और जो अभी इतना गेमिंग करने के बाद और यहाँ पर मैंने कोई भी हवा नहीं चला रखी, मतलब किसी भी प्रकार की विंड नहीं है, और फिर भी इतना अच्छा जो है वो मेरे को यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल रहा है, और हीटिंग लगभग नाक के बराबर ही है इस फ़ोन में, मतलब ओके है। या तो हो सकता है मुझे लग रहा है कि ये कवर भी कुछ अलग मटेरियल का बना है, ये भी कुछ ऑब्जर्व कर रहा है हीट, आई डोंट नो। मैं मतलब यही है कि हाँ मेरे को यही लग रहा है। तो इसकी ग्राफिक्स आप देख सकते हो, ये भी 60 FPS के करीब में यहाँ पे दे रहा है, और ओवरऑल व्यूइंग एंगल्स आप देखो तो ओवरऑल व्यूइंग एंगल्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। म्यूजिक लगा रखा जैसे कि बहुत बड़ा मिशन पे जा रहा है बंदा, बहुत बड़ा फौजी है। तो भैया मेरे को इतना बढ़िया खेलना नहीं आता पबजी, क्योंकि 4-5 साल हो गए मुझे छोड़े, और सो प्लीज बेयर मी अबाउट इट, बट आप गेम की क्वालिटी, फ्रेम रेट्स और इन सब पे ध्यान दो कि आपको पता लगे कि भाई हाँ गेम की क्वालिटी कैसी आखिर यहाँ पे निकल के आती है और कितना फ्रेम रेट देता है। अगर आप लोग गेमर हो पबजी या बैटल ग्राउंड इंडिया जो भी आप कह सकते हो, तो दिस इज अ सिमुलेशन गेम सेट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड डज नॉट रिप्रेजेंट रियल लाइफ, प्लीज प्ले इन मॉडरेशन, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पांसिबली। तो ये देखो ग्राफिक सेटिंग में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर सब चीज़ अल्ट्रा अल्ट्रा पे चला रहा हूँ, और यहाँ पर फ्रेम रेट
आपको मैं यहाँ पे दिखा देना हूँ, ये देखो 41 का दे रहा है। तो बेसिकली ये हाई अल्ट्रा करने पर जो है वो यहाँ पर 40 के FPS देने वाला है। चालीस का FPS दे रहा है यहाँ पे पबजी में, आप देख सकते हो ये। ये तो मुझे लग रहा है इसका फ्रेम रेट का मीटर खराब है भाई। अल्ट्रा पे भी करने पे इतना ही दे रहा है। अभी मैंने कुछ देर पहले किया था तो इसमें दिखा रहा था, मेरे ख्याल से कुछ मीटर वगैरह में दिक्कत होगी। देखो प्योर जो है वो इसका टॉप सेटिंग में चलाने के बाद इसका इतना दिखा रहा है। किसी को गोली नहीं मार रहा मैं, बट आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि मतलब अल्ट्रा में चलाने के बाद भी ये इतना ही दिखा रहा है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आई हो इसकी इन डेप्थ रिव्यू जो मैंने आप लोगों को गेमिंग का दिया है। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना और बताना, मैं आप लोगों की बातों को अमल करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसके ऊपर और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, किस तरीके का आपको और वीडियो एक्सपेक्ट है इस चैनल पे, वो भी बता देना, तो मैं आप लोगों के फीडबैक को देख के भी उस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो बना देने वाला हूँ इसको उनसे रिलेटेड। तब तक के लिए आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।